हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेट। सेट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल कंसेप्ट नया है उन बच्चों के लिए जो अभी तक मैथ्स में क्लास 10th का एलजेब्रिक या कोई और टॉपिक्स पढ़ते आए हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सेट का मतलब क्या होता है, आज जो हम लोग अपने वीडियोज के जरिए डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, दूसरा टाइप्स, बेसिक कंसेप्ट, एंड टाइप्स। तो ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। मीनिंग इसका मतलब ये होता है सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसे हम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, या तो वो नंबर्स हैं, या फिर अल्फाबेट्स हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और हमने उसे एक सेट के फॉर्म में एक डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक डिफाइन फॉर्म दे रखी है, उसे हम कहेंगे सेट। अ वेल डिफाइंड फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज सेट। मैं यहां लिख देती हूं, अ वेल नोन कलेक्शन ऑफ डाटा is known as set। अब बारी आती है सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या फिर इसके टाइप्स। अगर मैं इसको ये कहूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन ही इसके टाइप्स हैं तो गलत नहीं होगा। दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 4, 6 या फिर हमारे पास है अल्फाबेट ए बी सी डी, जब मैं इन्हें ब्रैकेट्स के साथ कोमास में डाल देती हूं तो ये मेरा बन जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। अब इसके अंदर कोई भी चीजें हो सकती हैं। अब हम इसका जो कंसेप्ट है, यहां पर जैसे मैंने टाइप्स लिख दिया है, ये काइंड्स होगा, काइंड्स। तो टाइप्स के बाद जब काइंड्स आता है तो ये हमारे को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है कि किस तरह की कैटेगरीज की जाती हैं। काइंड्स भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, कैटेगरीज भी कह सकते हैं कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन बता देती हूँ कि जैसे इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, या फिर हमारे पास सबसेट है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो मुझे डिफाइन करनी होती है, रोस्टर फॉर्म में हो या सेट बिल्डर फॉर्म में हो। तो मुझे ये पता होना चाहिए नोटेशन क्या है इन सब चीजों का। अब और नोटेशन मुझे समझनी जरूरी होगी, और नोटेशन क्या है, जैसे कि n है, n को हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ, और ऐसे ही हम z, पॉजिटिव z को हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ। अब इंटीजर समझाने की शायद जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपने क्लास 10th में पहले से ही समझ रखा है। z माइनस जो है वो आपका है नेगेटिव इंटीजर, इस तरीके से। w की जो नोटेशन रहेगी वो रहेगी होल नंबर्स की,
इस तरीके से हमारे को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब रैशनल नंबर है तो उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, रियल नंबर को हम आर से डिफाइन करेंगे, ये हमारे कुछ नोटेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये यूजफुल होते हैं कैटेगराइजेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेट का मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा जो हमारे पास है उसे मुझे सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो मुझे हर एक फॉर्म में मेरे को यूजफुल हो। जैसे कि अगर मुझे किसी को डिफाइन करना है कि नेचुरल नंबर्स की कैटेगरीज क्या है, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स को एन से डिफाइन करना होगा, ताकि वो इजीली एडजस्टेबल हो किसी भी नोटेशन के अंदर या किसी भी कंसेप्ट के अंदर। तो सेकंड आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे यहां पर नाम से ही क्लियर हो रहा है बिल्डर, बिल्डर का मतलब बनाना। तो इसका मतलब ये होता है जब हम किसी भी सेट को सेट डिफाइन इन दी शॉर्ट फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, फॉर्म ऑफ सेट, राइट। तो ये हमारा हुआ रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपकी पूरी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, कि किस डाटा को हम सेट बोलेंगे और किस डाटा को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ डाटा इज सेट, which kind of data is not a set, जिसे मैं डिफाइन कर सकती हूं कलेक्शन ऑफ फॉर्म में, वो मेरा सेट है। जैसे कि अब मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि राइट दी नेम ऑफ बॉयज, तो ये एक डिफाइन नहीं है कौन से बॉयज हैं, किस क्लास के हैं, किस कैटेगरीज के हैं, किस जगह के हैं, तो ये एक कैटेगराइजेशन बन ही नहीं सकती। जब कैटेगराइजेशन नहीं बन सकती तो वो सेट भी नहीं बन सकता, तो ये हमें यहां पे ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही हमारे पास आ जाता है राइट दी नेम ऑफ ऑल क्लास 11th बॉयज, तो क्लास 11 के बॉयज जो भी मैंने यहां पर लिखा है, मतलब इसका कहने का तरीका वही है कि क्लास 11th के बॉयज का मुझे नाम लिखना है, तो ये कैटेगराइजेशन बन सकता है। तो जो कैटेगराइजेशन बन सकता है वो सेट है, जो नहीं बन सकता वो सेट नहीं है। अब सेट बिल्डर को मुझे किस तरीके से डिफाइन करना है, मैंने यहां प्रॉपर्टी तो लिख दी और ये भी बता दिया कि किसकी कैटेगराइजेशन हो सकती है किसकी नहीं हो सकती है, लेकिन अब यहां ये भी कंसेप्ट आता है कि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से डालना है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊंगी, उसे जरूर देखिए, क्योंकि सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, और क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं अपने टॉपिक के लिए, तो मैं बिल्कुल भी टॉपिक को जल्दबाजी में नहीं समझाऊंगी। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट था समझाने का वो एक्सरसाइज 1.1 के लिए था, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी या कौन सा डाटा सेट है और कौन सा डाटा सेट नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास अब आता है वो है काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट्स के अंदर आता है स्टूडेंट्स कि जैसे किस तरह के सेट्स हैं जिन्हें हम कैटेगराइजेशन में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। नंबर वन, सबसे पहला आता है इक्वल सेट। जब किसी भी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी,
फॉर एग्जाम्पल सेट ए है मेरे पास 1, 2, 3 और सेट बी है मेरे पास 3, 2, 1। इस फॉर्म में ये इक्वल सेट होगा। अगर यही सेट ए मेरे पास 1, 2, 3 है और बी सेट मेरे पास है 3 और 2 तो ये इक्वल सेट नहीं होगा स्टूडेंट। तो इक्वल सेट को डिफाइन हम इक्वल्स टू के साइन से ही करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। दूसरा हमारा जो काइंड है वो है सबसेट। सबसेट मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां सबसे पहले दूंगी। एक ए मेरे पास सेट है 1, 2, 3, 6, 9, 4, मैंने रैंडमली नंबर्स लिए हैं। बी मैंने सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 और 3 को लिखा, तो हम क्या करेंगे यहां पर सेट ए जो है, सेट ए कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, सेट ए और सेट बी को हमने पहले ऐसे डिफाइन किया। अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि बी जो सेट है वो आपका सबसेट है ए का, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और वैसे लिखने का सही जो तरीका है वो ये है, सबसेट ऑफ ये एन है इस तरीके से। ये जो साइन है ये सबसेट का है कुल मिलाकर, आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो अब हम यहां पर देखते हैं नंबर 3 है आपका बिलोंग्स टू का साइन कहां आता है, बिलोंग्स टू सेट। वैसे ये काइंड्स में नहीं आता, ये एक कंसेप्ट है सिर्फ। बिलोंग्स टू का साइन होता है इस तरीके से स्टूडेंट्स, और नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है इस तरीके से। आज जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। अब अगर मुझे इस सेट के थ्रू इस बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को बताना है तो मैं ये बताऊंगी कि बी सेट जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, तो मैं कैसे लिखूंगी, बी सेट बिलोंग्स टू सेट ए। और मैंने कोई भी सेट यहां पर सी लिया स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, सी लिया जिसमें मैंने लिखा ए और बी स्मॉल लेटर्स में, तो जो सी सेट है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ काइंड्स ऑफ सेट हमने डिस्कस किए हैं, इक्वल सेट, सबसेट और भी इस तरीके के सेट आ जाते हैं जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बहुत और भी डिटेल में बताऊंगी। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के लिए है। तो मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। न्यू अगर यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरे जितनी भी वीडियोस न्यू आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। गुड लक, थैंक यू।